हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज की वीडियो बहुत डिफरेंट होने वाली है, बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ टॉप 5 एक्सरसाइजेस विच विल हेल्प यू टू मेंटेन योर बॉडी, और मतलब थोड़ा सा आपकी बॉडी शेप को मेंटेन करने में हेल्प करती है और अच्छा होता है। डेली सुबह उठ के एक्सरसाइज करना इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। चलो स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज से। तो फैमिली, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम लोगों को कर लेना चाहिए थोड़ा सा वार्म अप, ताकि हमारी बॉडी जो है थोड़ी सी प्रिपेयर हो जाए एक्सरसाइज करने के लिए। सो यस, फर्स्ट एक्सरसाइज जो मैं फॉलो करती हूँ, मुझे अच्छी लगती है वो करनी, वो है जंप। ऐसे ऐसे करके जंप करते हैं ना, दैट वन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको किस चीज का ध्यान रखना है, जब आपके हाथ ऐसे आते हैं तो आपको ब्रीथ इन करना है और जब डाउन जाते हैं तो ब्रीथ आउट। सो स्टार्ट। तो इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हो, हाय मेरे बाल खुल गए, इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हो 50 to 70 टाइम्स फॉर द बिगनर्स, बिकॉज जो स्टार्ट करेंगे वो एकदम से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे जो है जो आपकी लेग्स है उसमें पेन वगैरह होती है स्टार्टिंग में। तो थोड़ा से ही स्टार्ट करें, एकदम से हायर लेवल पे ना जाए। सो फैमिली, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो मैं स्पेशली करती हूँ अपने एब्डोमेन के लिए, बिकॉज मुझे और कहीं पे फैट आए ना या ना आए, बट एब्डोमेन पे सबसे पहले फैट एक्यूमुलेट होता है, तो मैं एब्डोमेन के लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हम लोगों को फ्लैट सरफेस पे सो जाना है लाइक दिस, और अपने पैर को बिल्कुल स्ट्रेट करना, मैं दिख नहीं रही है ना ऐसे, और अपने हैंड्स को यहाँ पे सरफेस पे, एंड देन वी हैव टू अप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15. Oh God, now it's just enough for me. मैं इतना ही कर पा रही हूँ भाई अभी। अब चलते हैं फटाफट से थर्ड एक्सरसाइज की तरफ, जो यहीं पे ही लेटे लेटे हो जाएगी। चलो, बट उसके लिए हम लोगों को क्या करना है, हमें आना है प्रोन पोजिशन में। यू अंडरस्टैंड, प्रोन पोजिशन इज जस्ट लाइक दिस, ऐसे वाली पोजिशन है ना। तो इसमें हम लोगों को ऐसे होके रखना है, मैं दिख नहीं रही यार ना, लेट मी फिक्स द कैमरा। यस, अब मैं देखूंगी, ऐसे होके एल्बो के सहारे, और हम लोगों को ऐसे होके रहना है। आप काउंट कर सकते हो मन में 30 तक, 50 तक, जितना आप कंफर्टेबल हो उतना आपको काउंट करना है। चलो, 1, 2, 3 स्टार्ट। डन डन। अब मुझे इसी में रेस्ट कर लेना है थोड़ी देर। सो लाइक दिस आई कैन रेस्ट हियर, डीप ब्रीथ। आप रेस्ट करते हो, मतलब ज्यादा देर भी नहीं कि आप 15-20 मिनट लेटे ही रहो, 4 to 5 मिनट्स या 3 to 2 मिनट्स, 2 to 3 मिनट्स इज इनफ। 3 एक्सरसाइजेस आर डन। नाउ अब हम जाएंगे 4th एक्सरसाइज की तरफ, जो कि थोड़ा हेल्प करती है फ्लेक्सिबिलिटी में। तो स्टार्ट करते हैं।
तो यस फैमिली, नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी थोड़ी स्ट्रेचिंग वाली. उसमें क्या करना है, एक लेग को अपार्ट करना है, मतलब दोनों लेग्स को अपार्ट करना है लाइक दिस. जितना ज्यादा आप कंफर्टेबल हो उतना आप कर सकते हैं. स्टार्टिंग में तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है. जितना आप कर सकते हो काउंट करके उतना आप कर सकते हो. बिकॉज मैं एक्सरसाइज पहले भी कर चुकी हूँ, ये जस्ट मेरे माइंड पे एकदम से आया कि मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ फटाफट से वीडियो बना के. मैं फटाफट कर रही हूँ अभी. अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, कि मुझे बहुत पसंद है करना. उसके लिए अगर आप कोई वेट लेना चाहते हो तो वेट भी उठा सकते हो, अदरवाइज यू हैव टू पुट योर हैंड्स लाइक दिस इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट. थोड़ा सा अपार्ट करना है अपने लेग्स को लाइक दिस एंड देन डाउन. योर स्पाइन शुड बी स्ट्रेट, जो आपकी बैकबोन है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सो यस, इसके बाद अगर आप रेस्ट करना चाहते हो तो रेस्ट भी कर सकते हो, बट मैं बिगनर्स के लिए बोल रही हूँ. अगर आप स्टार्ट करें तो थोड़े थोड़े से स्टार्ट करना है, एकदम से ही बहुत हाई का मत सोच लेना. और जो तो पहले से करते हैं उनको थोड़ी आदत होती है तो ज्यादा ज्यादा भी कर सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर. तो फैमिली, ये थी मेरी आज की वीडियो. अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और अगर कहीं पर कोई मिस्टेक लगी हो तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं भी थोड़ा ठीक कर सकूं. बिकॉज आई एम नॉट अ ट्रेनर, मैंने थोड़ा बहुत जो सीखा है वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया. ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है बॉडी को शेप में लाने के लिए, एब्डोमेन फैट को डिक्रीज करने के लिए, और हमारे को वैसे भी एक्सरसाइज करनी चाहिए ना. मेडिटेशन एक अलग चीज है, मेडिटेशन आप हर रोज कर सकते हो, 10-15 मिनट जितना आप करना चाहते हो उतना. तो फैमिली, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना. कुछ गलती की हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, और प्लीज फैमिली शेयर कर देना वीडियो को, बिकॉज आप लोगों को पता है बहुत मेहनत करके मैं वीडियोस बनाती हूँ, दो काम को एक साथ संभालती हूँ. तो प्लीज शेयर करना, लाइक करना, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए पीस आउट, लव यू ऑल, बाय बाय.